खबर धमतरी जिले से है, जहां के जिला अस्पताल में मिलने वाली सुविधाओं और व्यवस्थाओं का सेंट्रल जॉइंट डायरेक्टर एनएचएम आराधना पटनायक ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान जॉइंट डायरेक्टर ने अस्पताल के प्रसव कक्ष, विभिन्न वार्डों, लैब सहित सभी जगहों का निरीक्षण कर कर्मियों को जल्द दूर करने के निर्देश दिए, जिससे कि यहां मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिल सके। साथ ही जॉइंट डायरेक्टर ने अस्पताल में मरीजों से चर्चा कर यहां मिलने वाली सुविधाओं के बारे में भी जाना। धमतरी से वैभव चौधरी की रिपोर्ट। तो यहाँ पर अभी जो अस्पताल का मैंने भ्रमण किया है, काफ़ी जगह है जो पुराना चुकी है अस्पताल, तो काफ़ी जर्जर हो गया है। एक विंग पूरा ऑलमोस्ट लैपिडेटेड कंडीशन में है, तो उसे ये लोग अभी तोड़ के बनाने भी वाले हैं। और यहाँ जैसे मैंने देखा कि प्रसव में तो लोड काफ़ी अच्छा है, काफ़ी पेशेंट्स आते हैं, महीने में लगभग 400-500 डिलीवरी हो रही है। तो यहाँ एक MCF सेंटर होने की आवश्यकता है। आमतौर पर अगर अच्छा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की हम बात करें तो एक अलग MCF सेंटर उसमें रहता है, और उसकी कमी मुझे यहाँ लगी। तो मैंने यहाँ पदाधिकारियों को निर्देशित किया कि उसका प्रपोजल बनाकर अगर वो प्रस्ताव भेजते हैं तो भारत सरकार उसको उस पर अगर ज़मीन इनका उपलब्ध है, कई राज्यों को हम लोगों ने दिया भी है, तो यहाँ वैसे लग रहा है कि उसकी आवश्यकता है।